मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन एंड सेफ। माई सेल्फ योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। इन कंप्यूटर सब्जेक्ट आई विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लेसन टू। आज मैं आप लोग को क्या कराऊंगी चिल्ड्रेन? आज मैं आप लोग को लेसन टू की नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगी। जब आप लोग का स्कूल क्लोज्ड हुआ था तो मैंने आप लोग को लेसन टू को पढ़ाया था, समझाया था और उसमें की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व भी कराया था। आज मैं आप लोग को उसी लेसन का नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगी, जो कि कौन सा है? क्वेश्चन एंड आंसर है। ओके चिल्ड्रेन, तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है? सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में मेंशन करना है क्लास वर्क, डेट मेंशन करना है 27/5/2021। लेसन टू यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आप लोग को लेसन यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ाया था। आई होप सारे चिल्ड्रेन को ये लेसन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर मेंशन करना है अपनी कॉपी में। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर को राइट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रेन, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट है? राइट फाइव प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है चिल्ड्रेन? यहाँ पे बोल रहा है ऐसी पांच जगहों के नाम लिखना है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को लेसन टू में पढ़ाया था कि कौन कौन सी जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं किस किस जगह पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप लोग आंसर मेंशन करेंगे ए बी सी डी ई। इस तरीके से पहले नंबरिंग मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर राइट करेंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स की स्पेलिंग क्या है? एच ओ एस पी आई टी ए एल एस, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पताल। अस्पतालों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल्स, एस सी एच डबल ओ एल एस, स्कूल्स। स्कूल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। विद्यालयों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक्स, बी ए एन के एस, बैंक। जहाँ पे हम लोग मनी को क्या करते हैं? सेव करते हैं और विड्रॉ करते हैं, तो बैंक्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शॉपिंग मॉल्स, एस एच ओ डबल पी आई एन जी, शॉपिंग, एम ए डबल एस मॉल, शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स में भी क्या किया जाता है? कंप्यूटर का यूज होता है। लास्ट है एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ए आई आर पी ओ आर टी एस, एयरपोर्ट्स, ए एन डी एंड आर ए आई एल बी ए एस, रेलवे, एस टी ए टी आई ओ एन एस, रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन पे भी क्या किया जाता है? हवाई अड्डे और जहाँ पे रेलगाड़ी चलती है वहाँ पे भी क्या किया जाता है? कंप्यूटर का यूजेस होता है। समझ में आया? इन पांच जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी थ्री रूम्स वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन योर स्कूल। अब ऐसी तीन जगहों का नाम बताइए जहाँ पे आपके स्कूल में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के स्कूल में कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं, आप लोग को आंसर राइट करना है, फिर ए बी सी डी क्या करना है, नंबरिंग मेंशन करना है, फिर उसके बाद राइट करना है। सबसे पहले आप लोग के स्कूल में लाइब्रेरी में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या है? एल ए बी आर ए आर वाई, लाइब्रेरी। जहाँ पे क्या किया जाता है? सारी बुक्स को रखा जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट है ऑफिस, जहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठते हैं और जहाँ पे फीस काउंटर है वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी ई, ऑफिस। लास्ट है स्मार्ट क्लासरूम, एस एम ए आर टी, स्मार्ट, सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम, स्मार्ट क्लासरूम। अब सारे चिल्ड्रेन जब आप लोग क्या करते थे, छोटी क्लास में थे तो आप लोग स्मार्ट क्लासरूम में बड़े से होल्डर में क्या देखते थे? सारे कार्टून और वो चीज देखते थे ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रोजेक्टर बोलते थे। तो वो हम लोग का क्या है? स्मार्ट क्लासरूम है। तो आप लोग के स्कूल में कहाँ कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर? लाइब्रेरी, ऑफिस और स्मार्ट क्लासरूम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर।
यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर के फादर का नाम क्या है। कंप्यूटर के फादर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के फादर कौन है। जैसे हमारे आपके फादर का नेम होता है, उसी तरीके कंप्यूटर के भी फादर का नेम है, मतलब कि कंप्यूटर ने जिसने बनाया है उनका क्या नेम है। चलिए जानते हैं क्या है। पहले आंसर मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद आंसर राइट करेंगे। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन इंसान का क्या नाम है, उन इंसान का नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था, समझ में आया। उन इंसान का क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है चिल्ड्रन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर का क्या यूज है। तो आंसर आप लोग का क्या राइट है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेनी टास्क लाइक राइटिंग लेटर्स, ड्रॉइंग पिक्चर्स, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एक्सेट्रा। कंप्यूटर का किस लिए, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिफिकल्ट टास्क करने के लिए, मतलब अलग अलग टास्क वो कर सकता है, जैसे कि जो इंसान नहीं कर सकता है वो कंप्यूटर कर सकते हैं। ओके फिर क्या बोल रहा है, राइटिंग लेटर्स, लिखने के लिए काम में आता है लेटर्स को, ड्रॉइंग पिक्चर, पिक्चर बनाने के लिए काम में आता है, प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए काम में आता है, और म्यूजिक सुनने के लिए काम में आता है। इन चीजों को कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का चिल्ड्रन, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से पहले आप लोग को राइट करना है COMPUTER, फिर उसके बाद आप लोग को कंप्यूटर का फुल फॉर्म राइट करना है। सी का है कॉमन, ओ का है ऑपरेटिंग, एम का है मशीन, पी का है पर्पसली, यू का है यूज फॉर, टी का है टेक्निकल एंड ई का है एजुकेशनल, आर का है रिसर्च। ये आप लोग को चिल्ड्रन लर्न करना है, क्योंकि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप लोग से कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग को लर्न भी करना है, फिर उसके बाद आप लोग को अपनी कॉपी में राइट करना है, क्योंकि लर्न करने से क्या होगा कि जब आप लोग का टेस्ट होगा उसमें आप लोग सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को क्वेश्चन आंसर लेसन 2 का कराया है, तो आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देंगे, आप लोग को हम ये होमवर्क देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है 27/5/2021। आप लोग का होमवर्क है लर्न एंड राइट द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम लेसन 1। लेसन 1 का आप लोग का क्वेश्चन आंसर राइट करके अपनी कॉपी में करना है, जिससे कि आप लोग को लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर भी राइट हो जाएगा और आप लोग का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। और जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसको जरूर से अटेंड करिएगा, आइदर वो ऑनलाइन क्लासेस हो वीडियो वाली, आइदर वो जूम ऐप्स पे हो। ओके चिल्ड्रेन, क्योंकि आप लोग का पीटी एग्जामिनेशन भी होने वाला है ना, तो इससे आप लोग का सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाएगी। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।